और आज ही हम बहुत ही मजेदार वीडियो बना रहे हैं, और उससे पहले थैंक यू सो मच उन सबका जो हमें इतने प्यारे कमेंट्स करते हैं और हमें इतनी अच्छी सजेशंस देते हैं कि हम उन सजेशंस में से वीडियो पिक करते हैं और आपके लिए वीडियोस भी बनाते हैं जो आप लोग हमें कमेंट करते हैं, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और इसी के साथ जो आज की वीडियो है उसका टॉपिक क्या है और उसकी डिटेल क्या है वो आपको ये बताएंगी जी। तो आज की वीडियो जो हमने सेलेक्ट की है जिसपे हम रिएक्शन देने वाले हैं अपनी इस वीडियो में, तो वो हमने सेलेक्ट की है जो आज आप लोग देख रहे हैं, आजकल ओलंपिक्स जो स्टार्ट हुई हुई है, बिल्कुल जी। तो उसी से बेस्ड और उसी से रिलेटेड हमने जो वीडियो सेलेक्ट की है, तो आज की वीडियो जो हमने सेलेक्ट की है वो है रशिया ओपनली डिक्लेयर दैट ताइवान इज अ पार्ट ऑफ चाइना ओलंपिक्स। तो ये टॉपिक है उन्होंने जो अब हमने ये वीडियो खुद भी नहीं देखी है बाय द वे, और हम आपके साथ ही इसको देखेंगे और रिएक्शन जो हमारा होगा वो इसीलिए होगा। चैनल का नाम भी और चैनल का नाम है जी वर्ल्ड अफेयर्स, और आप इस चैनल को जी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक भी करें, शेयर भी करें, और इसी के साथ आपने सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को और लाइक करना है और शेयर करना है। और जो रियल वीडियो है जिसपे आज हम रिएक्शन वीडियो बना रहे हैं तो इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और इंजॉय कीजिए मजेदार रिएक्शन वीडियोस। तो विदाउट एनी फर्दर डिले आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। व्लादिमीर पुतिन ने दुनिया को चौंका दिया चाइना के विंटर ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी के दौरान। जी हां, आज है 4 फरवरी 2022 और चाइना के विंटर ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी में रशिया की तरफ से एक रिटर्न स्टेटमेंट आई। एक्चुअली ओवरऑल स्टेटमेंट काफी बड़ी थी, उसका एक पार्ट ये कहता है कि रशिया ओपनली रिकॉग्नाइज करता है ताइवान को एज ए पार्ट ऑफ चाइना, और उसके आगे रशिया ने एडिशनली ये भी ऐड कर दिया कि अपोज करता है रशिया आइलैंड की इंडिपेंडेंस को। कोई भी देश ताइवान की इंडिपेंडेंस की बात करेगा रशिया उस कंट्री के खिलाफ खड़ा होगा। मेजर स्टेटमेंट है ये बाय रशिया। उसके अलावा आप अगर देखो तो रशिया और चाइना ने यहाँ पर यह भी डिक्लेयर किया है कि दोनों कंट्रीज नेटो के एक्सपेंशन के अगेंस्ट खड़ी होगी, दोनों कंट्रीज की पार्टनरशिप की एब्सोल्युटली कोई लिमिट नहीं है। रशिया ने यहाँ पर यह भी कहा कि चाइना आज के समय उनका सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और इंटरनेशनल मीडिया को ऐसे कवर कर रहा है कि दोनों कंट्रीज ने अनवील करी है, दुनिया के सामने प्रेजेंट करी है एक नई ग्लोबल अलायंस, और इसको माना जा रहा है द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड कोल्ड वॉर, जहां पर एक तरफ नेटो रैपिडली एक्सपैंड कर रहा है, दूसरी तरफ रशिया और चाइना इकट्ठा हो चुके हैं। अब इस बीच देखिए आपके सामने बहुत सारी वीडियोस मैं दिखा रहा हूँ जहाँ पर शी जिनपिंग और पुतिन आपस में है, हाथ मिला रहे हैं, गले मिल रहे हैं, मगर बहुत ही अजीब लगा कि इमरान खान भी यहाँ पर मौजूद थे और उनको बिल्कुल कोने में बिठा दिया। आई मीन मैं अगेन मेरे मुंह से बातें थोड़ा सा ऐसे लगता है कि इंडियन है तो ऐसे बोल रहा होगा, मैं बहुत ही न्यूट्रल तरीके से बहुत अजीब है कि जहाँ पर शी जिनपिंग मिल रहे हैं बाकियों से, मोहम्मद बिन सलमान से मिले, व्लादिमीर पुतिन से मिले, इमरान खान को इस तरीके से स्पेक्टेटर की तरह यहाँ पर सीट पे बिठा के रखा। सबसे अजीब बात तो मुझे यहाँ पर यह भी लगी कि अब इमरान खान चाइना पहुंच चुकी है मगर चाइना में भी इनसे जो भी मीटिंग्स वगैरह करा रहे हैं इंपॉर्टेंट कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स की, ये करा रहे हैं थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। यहाँ पर आप देख पाओगे कोई वन टू वन मिलने को तैयार नहीं है। बहुत अजीब बात है, किसी कंट्री में आप जाओ वहां पर भी आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो। खैर मैं ये कहूंगा इस सब को इग्नोर करते हुए भी इमरान खान लिटरली जैसे क्रिकेट में कहते हैं लास्ट बॉल सिक्स मार सकते हैं, यहाँ पर अगर ये $5 बिलियन का लोन पक्का कर लेते हैं फ्रॉम चाइना, बाकी ये सब जो ट्रीटमेंट मिला है सब जो भी हुआ एक बार भूल जाता है, $5 बिलियन होते हैं। तो खैर एनीवे एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा आगे बढ़ने से पहले, क्वेश्चन ये है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है रिगार्डिंग कोल्ड वॉर। पहली स्टेटमेंट ये कहती है कि ये एक आइडियोलॉजिकल वॉर थी दो सुपर पावर्स के बीच में। सेकेंड स्टेटमेंट ये कहती है कि ये कंपटीशन था यूएसए और यूएसएसआर के बीच में और उनके अलायंस के बीच में। थर्ड स्टेटमेंट ये कहती है कि कोल्ड वॉर की वजह से एक आर्म्स रेस स्टार्ट हो गई थी पूरी दुनिया में। चौथी स्टेटमेंट ये कहती है कि यूएसए और यूएसएसआर एंगेज थे डायरेक्ट वॉर में। इसका आंसर करिए कमेंट सेक्शन में, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। अब वैसे देखिए व्लादिमीर पुतिन यहाँ पर लिटरली मैं कहूंगा छाए रहे पूरे चाइनीज मीडिया में, आज के समय व्लादिमीर पुतिन की बात चल रही है कि देखिए किस तरीके से एक मेजर सुपर पावर आज के समय कम्प्लीटली प्रो चाइना हो चुकी है, चाइना के गुणगान गा रहे हैं, और इसके पीछे देखिए पुतिन के भी अपने इंटरेस्ट है। मगर ये काफी फनी था कि रशिया की टीम आज भी बैंड है फ्रॉम द ओलंपिक्स। जी हाँ,
इंडिया का एक एथलीट तो गया यहाँ पे फ्रॉम जम्मू कश्मीर, आरिफ खान, यहाँ पे इंडिया का झंडा लेकर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मगर रशिया का यहाँ पर झंडा एथलीट्स के हाथों में भी नहीं दिखा क्योंकि बिकॉज ऑफ डोपिंग स्कैंडल रशिया आज भी यहाँ किसी भी ओलंपिक गेम्स में, उसके अलावा और भी वेरियस टूर्नामेंट्स में रशियन एथलीट्स बैंड है। खैर, इस बीच रशिया और चाइना ने एक डीप स्ट्रेटेजिक अलायंस यहाँ पर अनाउंस करी है। यूजुअली देखिए ओलंपिक से पॉलिटिक्स को दूर रखा जाता है, मगर चाइना ने बहुत ही बड़े लेवल पर यहाँ पे पॉलिटिक्स को ऐड कर दिया है और आलोचना भी यहाँ पर चाइना ने किसकी करी है, यूएसए, यूरोप और बाकी सब कंट्रीज की जो काफी हद तक ओलंपिक कमेटी को रन करती है। आप अगर देखिए ओलंपिक कमेटी के जो मेन मेंबर्स हैं, जो फंडिंग है ये यूरोप से आती है, यूएसए से आती है, तो नेटो की काफी आलोचना करी है यहाँ पर चाइना ने। चाइना ने यहाँ पर ये कहा है कि जिस तरीके से नेटो शुरू हुआ था, पहले सेंट्रल यूरोप के आसपास, फिर एक्सपैंड किया, पोलैंड को मेंबर बनाया, फिर उसके बाद एस्टोनिया, लत्विया, लिथुएनिया, इन तीनों कंट्रीज को मेंबर बना दिया, अब फिनलैंड को भी नेटो का मेंबर बनाने की बात चल रही है, तो ये तो रशिया को कंप्लीटली घेर लेंगे, ये बिल्कुल गलत है। उसके अलावा यूएस जिस तरीके से अपना ग्लोबल मिसाइल डिफेंस सिस्टम डेवलप कर रहा है, जो भी इनकी अलाइड कंट्रीज हैं वहाँ पे धाड़ और उनके वेरियस और जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं वहाँ पे ये लोग इंस्टॉल कर रहे हैं, ये भी काफी डेंजरस है। इससे बेसिकली क्या होता है कि यूएस के पास अथा पावर आ जाती है और बाकी कंट्रीज काफी मजबूर फील करती है और मजबूरी में आकर हो सकता है कि वो अग्रेशन दिखाएं। तो बहुत ही दबे शब्दों में मैं कहूंगा चाइना ने यहाँ पर ये भी कह दिया है कि कल को अगर रशिया यूक्रेन पर अटैक करता है तो वो जस्टिफाइड होगा क्योंकि रशिया को यूएसए ने ऑलमोस्ट घेर ही लिया है। अब इस सब के बीच में एक मेजर इकोनॉमिक डील भी हुई है बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बिटवीन रशिया और चाइना, ये है एक 30 साल की नेचुरल गैस पाइपलाइन की डील। अब यहाँ पर आप कहोगे ये दोनों देश ऑलमोस्ट हर दूसरे साल में साइन कर लेते हैं, पिछले 2-3 साल में भी सुना था एक नेचुरल गैस की डील साइन हुई है, अब भी साइन हो चुकी है, तो इसका आंसर है हाँ बिल्कुल। देखिए रशिया बहुत सारा पैसा कमाता है चाइना को नेचुरल गैस सेल करके, अभी भी आप देख लो जो रिसेंट डील हुई है ये 117.5 बिलियन डॉलर्स की है, और रियलिटी ये है कि ये जो मैसिव डील्स है इससे रशिया का इकोनॉमिक इंटरेस्ट बहुत ज्यादा डिपेंड हो जाता है इन चाइना। इससे पहले आप अगर जाओगे तो 2015 या 2016 के आसपास एक और मैसिव डील हुई थी, ये भी एक 30 साल की नेचुरल गैस की डील थी, इस डील की वैल्यू बताया जा रहा था कि 400 बिलियन डॉलर्स की है। इसमें ऐसा नहीं होगा कि 400 बिलियन चाइना थमा देगा रशिया को, इसमें क्या होगा कि आने वाले 30 साल में आराम आराम से 400 बिलियन रशिया को मिलते रहेंगे, इतनी वैल्यू की गैस आराम आराम से रशिया सेल करता रहेगा चाइना को। तो जब देखिए बहुत सारा पैसा चाइना पे कर रहा है रशिया को, और ऐसा नहीं है कि चाइना भी ये पैसा फ्री में दे रहा है, नेचुरल गैस को चाइना इस्तेमाल करेगा, इसे अपनी इकोनॉमी को और बिल्ड करेगा, इसके बदले में मोस्ट प्रोबेबली चाइना ने यहाँ पर कंडीशन रख दी होगी कि ताइवान में हमारा फुल समर्थन करो, हम यूक्रेन को लेकर तुम्हारा समर्थन कर रहे हैं, नेटो की आलोचना कर रहे हैं अपने ओलंपिक गेम्स में, ताइवान चाइना का पार्ट है और कोई भी देश जो ताइवान के इंडिपेंडेंस की बात करता है वो गलत बात कर रहा है, रशिया उस कंट्री के अगेंस्ट खड़ा है। रशिया को मजबूरी में यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी देनी पड़ी, और यहाँ पर आप ये पूछेंगे कि क्या इस स्टेटमेंट से इंडिया और रशिया के रिलेशंस कॉम्प्लिकेट होते हैं। देखिए इंडिया तो अभी इस मामले में काफी, मैं कहूंगा पीछे ताइवान के मामले में, क्योंकि हम आज भी इंडिया भी एज ए कंट्री यही कहता है कि ताइवान और चाइना एक ही देश है, पब्लिक चाहे कुछ और कहे मगर सरकार तो डॉक्यूमेंट्स में यही कहती है कि ताइवान जैसा कोई कंट्री है नहीं। तो अभी के लिए तो मैं नहीं कहूंगा कि इस इशू से इंडिया और रशिया के रिलेशंस पे इम्पैक्ट आता है, ऑब्वियसली लोग बुरा फील करेंगे, यहाँ पर इंडिया में बहुत ही बड़ी सपोर्ट है फॉर ताइवान, और ऑलरेडी आपने देखा होगा पिछले 5-6 सालों में व्लादिमीर पुतिन की तरफ जो रिस्पेक्ट थी इंडिया में धीरे धीरे कम हुई है, उसका एक बहुत ही बड़ा रीजन ये भी है कि उनके जो करप्शन स्कैंडल्स हैं वो भी सामने आए हैं ओवर द इयर्स, मगर डेफिनेटली इससे इंडिया में जो एक इमेज थी रशिया की एज अ वेरी रिलायबल डिफेंस पार्टनर, रिलायबल एलाई, इसको भी काफी हद तक और चोट लगने वाली है। और अभी तो देखिए ये ओलंपिक्स बस स्टार्ट हुए हैं, बताया जा रहा है कि रशिया और चाइना मिलिट्री पर्सपेक्टिव से और भी मेजर अनाउंसमेंट यहाँ पर कर सकते हैं, व्लादिमीर पुतिन मोस्ट प्रोबेबली जो क्लोजिंग सेरेमनी है वहां तक भी रहेंगे। ये भी न्यूज आ रही है कि इमरान खान पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से, लॉबिंग कर रहे हैं कि एक छोटी सी मीटिंग चाहे एक फोटो अपॉर्चुनिटी, कुछ एक गैदरिंग यहाँ पर हो जाए जहाँ पे पाकिस्तान भी हो, रशिया भी हो, चाइना भी हो, तो इसके लिए भी कोशिश चल रही है। देखना होगा कि यहाँ पर रिजल्ट क्या निकल के आता है। दीज ओलंपिक्स विल बी क्वाइट इंटरेस्टिंग इन टर्म्स ऑफ जियोपॉलिटिक्स। नाउ वापस आते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है रिगार्डिंग कोल्ड वॉर? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, यूएसए और यूएसएसआर की कभी भी डायरेक्ट वॉर नहीं हुई थी कोल्ड वॉर में।
ज्यादातर प्रॉक्सी वॉर भी हुई थी, छोटे देशों को आपस में लड़ाया गया था। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप अगर यूपीएससी एग्जाम की एक प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं लाइफ में एक बार, तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे द यूपीएससी कॉम्बो पैक। चलिए जी हाँ, तो वीडियो देखा तो बीच में भी हमें बहुत हंसी आ रही थी और अभी भी मुझे आ रही है कि वीडियो पे स्टैटिस्टिक्स भी थे ना, वो जो कैसे उन्होंने वो बड़े मजे मजे की बातें थी बीच में। बात तो थी कि जी कोल्ड वार दिखा रहे हैं जैसे उन्होंने टाइटल में लिखा हुआ है, बड़ा कुछ लिखा हुआ है, लेकिन जो बातें कर रहे थे तो उस पर काफी हंसी भी आ रही थी कि बात कहाँ की कहाँ जा रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। और चले जी, वीडियो को देखने के बाद जी कम्प्लीट यही है कि ताइवान को उन्होंने एक टोटली तौर पे चाइना पे आके अनाउंस कर दिया जी रशिया ने कि जी पार्ट है वो चाइना का, और काफी अच्छा चल रहा है दोनों कंट्री के दरमियान में जो कहते हैं दोस्ताना ताल्लुकात, और काफी कुछ प्रोग्रेस कर रहे हैं, कुछ उन्होंने रिवील कर दिया, कुछ अभी इन फ्यूचर रिवील करेंगे कि जी कहाँ कहाँ और क्या कुछ कर रहे हैं। और जैसे गैस वो खरीद रहे हैं चाइना वाले रशिया से अच्छी खासी बड़ी अमाउंट देकर, तो आप तो जानते हैं कि चाइना कितनी तरक्की करने वाली कौम है, अगर वो कुछ इन्वेस्ट करती है तो उसको फिर आता है कि वो किस तरह अपने मुल्क को आगे लेके जाएंगे और किस तरह प्रोग्रेस करेंगे, तो वो अगर ले रहे हैं तो अपने सोच समझ के कोई ले रहे होंगे गैस वगैरह। तो जी आपको कैसा लगा? हाँ जी, मुझे भी वीडियो देख के बहुत अच्छा लगा, खास तौर पे पीएम जो हमारे इमरान खान है उनको जो माशाल्लाह से वहाँ प्रोटोकॉल मिला है, जो जो उनके साथ की जो रिस्पेक्ट वहाँ की जा रही है, जो कि बहुत हमें देख के खुशी होती है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को इनविटेशन मिला है उनको वहाँ पे ओलंपिक में एज अ गेस्ट। इतना उन्होंने चाइना, देखिए हमारा वैसे भी फ्रेंड है तो वो हमें तो जाहिर बात है फ्रेंड कंट्रीज है हम, और जैसे प्रोटोकॉल हम एक्सपेक्ट करते हैं हमें वैसे ही वो दे रहा है। और रह गई बात मीटिंग्स की, तो अब लाजमी तो ना कि हर मीटिंग में इमरान खान हो, तो इमरान खान की तो बनती नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, तो उसपे तो जाहिर बात है जो इमरान खान के साथ मीटिंग होगी उसमें वो आपको डेफिनेटली इंशाल्लाह नजर भी आएंगे जो उनके टर्न में आती है। जो तो रह गई बात बाकी मीटिंग से भी इंशाल्लाह ताला आपको सारा जो प्रोसेस होगा, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो स्टार्टिंग है, आहिस्ता 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 देखिए आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा कि हम लोग ओलंपिक्स ऐसी वो गेम्स है कि वो सभी बहुत ज्यादा कंट्रीज को पसंद करती है और बहुत ज्यादा खुश नसीब है वो कंट्रीज जो कि उनके प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे गए भी हुए हैं, मौजूद भी हैं, वो पार्ट है जी बिल्कुल, जैसे दिखा रहे हैं कि बहुत से प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे मौजूद हैं, और अब जैसे उनके कंट्री का फ्लैग आता है प्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे इमरान खान खड़े हो गए जी उनकी जैसे कंट्री का फ्लैग आया तो उनको अप्रिशिएट करने के लिए जी, तो यही बड़े फखर की बात होती है कि जी इस मुल्क की बंदे जा रहे हैं खेलने वाले तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ पे मौजूद जी, बहुत जबरदस्त बात है। और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो एज अ खुद भी वो स्पोर्ट्स मैन है, स्पोर्ट्स मैन है, बहुत ही उनको तो अच्छा फील हो रहा है, बल्कि वो बड़ी पॉजिटिव देखने का भी टाइम नहीं मिलता, मैं खिलाड़ी हूँ मैं खेलता हूँ लेकिन चाइना के हमारे पीएम को भी थोड़ा सा मिली है कोई एक्टिविटी खेल में, तो देख सकते वो स्पोर्ट्स मैन तो नहीं रह सकते ना खेल के बगैर, वो उसको तो प्राइम मिनिस्टर नाउ बहुत अच्छा लगा जी। हाँ, और बड़े जो मुआहदे भी हो रहे हैं वहाँ पे, नॉट ओनली ओलंपिक्स, और बड़े एक दूसरे के साथ जी दोस्ताना ताल्लुकात भी बन रहे हैं, नई कंट्रीज के बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, और इन फ्यूचर देखते हैं कि आगे क्या कुछ होता है, क्या अनाउंसमेंट्स होती हैं, तो बेस्ट ऑफ लक तमाम कंट्रीज को जितने भी आए यहाँ पे ओलंपिक में, ओलंपिक्स में, और जो जीतेगा उसके लिए भी जी बेस्ट ऑफ लक है, और अच्छा खेलें सब और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ खेलें, जो जीते हारे तो बस स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होना चाहिए इंसान में। और इसी के साथ आज की वीडियो का बहुत मजा आया रिएक्शन देने का, बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी, और अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।